आज का विषय है संकट चौथ व्रत के दिन अगर बादलों की वजह से चंद्रमा दिखाई ना दें तो अर्घ चंद्रमा को अर्घ तो चंद्रमा को अर्घ कैसे दें। वर्ष 2024 में 29 जनवरी 2024 को संकट चौथ का व्रत रखा जा रहा है। संकट चौथ का पर्व गौरी शुद्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आज के दिन महिलाएं संकट चौथ व्रत करती हैं और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। संकट चौथ व्रत तभी पूरा होता है जब भगवान गणेश जी की पूजा के बाद चंद्र दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ दिया जाए। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि व्रत खोलने से पहले चंद्र दर्शन बेहद जरूरी है, लेकिन धुंध और बादल के चलते यदि चांद नहीं दिखाई दे रहा है तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं। यदि आपने भी आज संकट चौथ का व्रत रखा हुआ है और चंद्र दर्शन को लेकर आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि चांद नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपने व्रत का पारण तब भी कर सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है आज रात में यदि चंद्रमा दिखाई ना दें तब भी आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। इसके लिए चौकी सजाएं, उस पर आप लाल कपड़े के ऊपर चावल से चांद की आकृति बनाएं। ओम चतुर्थ चंद्राय नम मंत्र का जाप कर चंद्रमा का आह्वान करने के बाद विधि विधान से पूजन कर व्रत पूरा कर सकती हैं। दूसरा उपाय, यदि चांद ना दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, फिर चंद्रमा की पूजा करके क्षमा याचना करते हुए व्रत का पारण कर सकते हैं। तीसरा, इसके अलावा चंद्रोदय का सही समय जानकर करीबियों से फ़ोन करके पूछें कि चांद किस तरफ निकलता है, उस दिशा में मुंह करके अपनी पूजा करें और चंद्रदेव से क्षमा याचना करें। इसके अलावा अपने करीबियों से चांद की तस्वीर मंगवाकर या वीडियो कॉल के जरिए उसके दर्शन कर महिलाएं व्रत खोल सकती हैं। नंबर 5, चांद के दर्शन ना होने पर आप थाली में चावल लेकर उसे चांद का आकार देकर अर्घ दे सकती हैं। इसके अलावा आप बड़े बुजुर्गों के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोल सकते हैं। साथ ही अगले चौथ पर चंद्र दर्शन का संकल्प अवश्य लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।